रोटी तोड़ के इस खूबसूरत सी बर्तन के अंदर डालती हैं। ओ मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह बहुत ट्रेडिशनल माशाल्लाह रेसिपी सोबत की लेकर आई हैं, अपने तरीके से बना रही हैं। सब अपने तरीके से बनाती हैं। ये डेरा इस्माइल खान की माशाल्लाह खास रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 1 कप तेल डाल दी है। अभी तेल हो गए गरम, अभी इसमें ऐड करती हैं 2 प्याज, अभी हमें करना है इसको ब्राउन। प्याज को अभी मिक्स करके इसको छोड़ दें, बाकी आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये डेरा इस्माइल खान की रेसिपी है, बन्नों की, क्वाक की। अभी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। माशाल्लाह हम लोग बना रहे हैं इसको आलू के साथ, जो हमारे भी माशाल्लाह ट्रेडिशनल रेसिपी आप कह सकते हैं इसको। माशाल्लाह इसके साथ हमें चाहिए चिकन और आलू। 1 किलो चिकन है, 1/2 किलो आलू है। ये देखें अभी ये प्याज आधा नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए थोड़ा। अभी इसमें ऐड करती हैं ये देखें, ये तकरीबन काली मिर्च साबित की 20-30 दाने हैं, और ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 लौंग और 1 बादियां फूल और 1 दालचीनी की स्टिक। ये सारे खड़ा मसाले जो इसमें शामिल कर रही हैं। अभी इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी है। माशाल्लाह मेरी नानी की भी खास रेसिपी थी बहुत। माशाल्लाह जब भी नानी के घर जाते थे वो हमें खिलाती थी ये रेसिपी, हमें तो बहुत पसंद है, शोभे वाली है। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट दरदरा बनाई है, 1-1 टेबल स्पून है। जब हमारे प्याज रेडी होंगे तो इसमें ये शामिल कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए टमाटर, ये देखें, और धनिया और हरी मिर्च और लेमन। ये हमारी प्याज माशाल्लाह अभी तैयार हो रही है बिल्कुल। अभी इसमें शामिल करती हैं चिकन और आलू। आलू डाल दिए हैं अभी, अभी इसको थोड़ा मिक्स कर रहे हैं ताकि चिकन का पानी थोड़ा ड्राई लग जाए। अभी इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट, दरदरा पेस्ट है, तो शामिल कर रही है। अगर आपके पास देसी मुर्गी है तो उससे आप बनाएं, क्योंकि असल तो देसी मुर्गी से ही बनती है ये रेसिपी, मगर आजकल ये दो में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम मिलती हैं। अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं, इसका टेस्ट और ही ज़बरदस्त आएगा और भी मज़ेदार होगा। अगर आप सिर्फ चिकन में बनाओगे तो इस वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें आलू शामिल है। 1 गिलास पानी ऐड कर लिए, अभी इसका कैप बंद कर दे, अभी इसको छोड़ दें थोड़ा गलने के लिए। आपको दिखा रही हूँ ये देखें, आलू और चिकन आधा गल गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं टमाटर की पेस्ट, ये तकरीबन 1 कप टमाटर की पेस्ट है, अभी इसमें शामिल कर लिए। अभी इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल है। लाल मिर्च पाउडर के अंदर हल्दी भी शामिल कर लिए। हसबे जायका नमक, अभी इसमें शामिल करते हैं आलू बुखारा, 4-5 दाने इसमें ऐड कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेमन नहीं है तो सिरका डाल दें। हमें चिकन बिल्कुल सॉफ्ट करना है, गलाना है, ये देखें अभी से मज़ेदार लग रही है।
अभी इसका कैप बंद करते हैं, अभी इसको छोड़ दें गलने के लिए। बिल्कुल हमें गलाना है चिकन को, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखें अभी माशाल्लाह ये तकरीबन 3% अभी ये रेडी हो गए हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं पानी, जो पानी बहुत अहम है इस रेसिपी के लिए। अभी इसमें डाल रहे हैं पानी। दो गिलास ऐड कर रही है इसमें पानी, क्योंकि हमें शोरबे वाली सालन चाहिए। ये देखिए पानी डाल दिए, अब इसको मिक्स कर रही है। अभी पानी डाल दें, इसके बाद इसका कैप बंद कर दें, फिर आपको बाकी दिखाएंगे आगे इसमें क्या क्या ऐड होंगे, क्या क्या इसके साथ करेंगे। बाकी अभी वीडियो पूरा देख के वॉच करें, आगे देखिए इस सालन के साथ होता है क्या है। अभी इसके लिए हमें चाहिए ये रोटी है, ये रोटी पकाई है, अभी इसमें ऐड करते हैं। जब ये सालन रेडी होंगे तो इसमें रोटी ऐड करने। और मेरी नानी क्या करती थी, जब बची हुई रोटी रात की बच जाती थी तो उसमें ये सालन के अंदर और रोटी ऐड करती थी। अगर आपके पास और रोटी है तो माशाल्लाह वो भी आप डाल सकती हैं, फ्रेश भी डाल सकती हैं। ये देखिए एक रोटी तोड़ के इसके अंदर डाल दिए। अगर आपको ज़्यादा लोग हैं तो आप ज़्यादा इसमें डाल सकती, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है इसीलिए मैंने एक डाल दिए। अभी इसमें ऐड करती है हरी मिर्च, मोटी वाली हरी मिर्च है, और इसके बाद हरा धनिया। अभी बस ये रेडी हो रही है लास्ट है सालन की। माशाल्लाह 2 मिनट इसको छोड़ दें, 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी आपको सर्व करने का तरीका बताएंगे किस तरह सर्व होगी। ये देखें रोटी डाल दी है, अभी इसके अंदर डालती हैं शोरबा सालन की। देखिए जाने बहुत मज़ेदार माशाल्लाह रेसिपी है, छोटे बच्चों के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं है, हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी बेस्ट है। इसके ऊपर डालती हैं ये चिकन और आलू। रेसिपी माशाल्लाह रेडी हो गई, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखें चिकन माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट गल गया है, अभी इसको खाएं रोटी के साथ। माशाल्लाह अभी गर्म है, मैं खा नहीं सकती। यकीनन आप लोगों को आज की मज़ेदार रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ।